बिहार में जातीय जनगणना चल रही है। 7 जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। घर घर जाकर अधिकारी गणना कर रहे हैं, वहीं कास्ट सेंसस पर विपक्ष की ओर से हमले भी बोले जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इसे पॉजिटिव बताते हुए गरीबों के हित में बता रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए फिर बताया कि जातिगत गणना जरूरी क्यों है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पर फिर से कई बातें कही। बिना किसी साइंटिफिक प्रक्रिया के जुटाए सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक आंकड़ों ने विकास एवं देश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता की खाई को पाटने के बजाय उसे गहरा किया। अधूरे आंकड़ों ने ही गरीबों पर मुट्ठी भर लोगों के अन्यायपूर्ण प्रभुत्व को स्थापित किया, इसीलिए जातिगत गणना जरूरी है। तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। आप देखिएगा कि महागठबंधन के दो शीर्ष नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है। और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भाई, पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आजादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोग इन चीजों पर जो है ज्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी का कहने का मतलब है कि गलत और बिना तथ्य के आंकड़े चल रहे हैं, जिसके कारण गरीब तबके के लोग दबे हुए हैं। गरीबों की मदद और उनके उत्थान के लिए कास्ट सेंसस एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इससे उनको मदद भी मिलेगी और निचले तबके के लोगों का विकास भी होगा। बता दें कि कास्ट सेंसस 7 जनवरी से चल रहा है। अधिकारी डोर टू डोर जाकर लोगों से उनकी कास्ट की समीक्षा कर रहे हैं। पहले चरण की गणना जनवरी तक चलेगी, वहीं दूसरे चरण की गणना अप्रैल में होगी। कास्ट सेंसस को लेकर नीतीश और तेजस्वी हमेशा से एक साथ रहे हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री ने उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि गणना कराने को लेकर केंद्र भी राजी नहीं हुआ, राज्य सरकार इसे अपने बलबूते करवा रही है। ये भी कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।